हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू योर मराठी लेक्चर। और आज जो है हम लेसन करने वाले हैं 29 यानी 29वां, मी सगळ्या भाज्या खाणार, यानी मैं सारी सब्जी खाऊंगा, भाज्या यानी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है तेजस, और उसको वेजिटेबल्स नहीं पसंद होते हैं, कुछ कुछ वेजिटेबल्स। तो वो जो है उसके और मम्मी का जो है पहले देखते हैं हम किस तरीके से एक डिस्कशन होता है, फिर इसके बाद तेजस जो है वो कैसे ये मान जाता है कि उसे सारी भाजी खानी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आपको ये कॉन्वर्सेशन सुनना है, मेरे साथ रीड आउट करना है, एक्सप्लेनेशन भी होगा इसका, क्वेश्चन आंसर्स भी होगा। ठीक है, सो आपको जो है इस पूरे लेसन के साथ में रहना है, और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। ओके, तो पहले मैं रीड आउट करूँगी और आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी। तो स्टार्ट करते हम। चित्रे पहा वाचा, यानी पिक्चर्स को देखो और रीड करो। आई ने तेजसला ताट वाढले, ताटात कारल्याची भाजी, कडू कारले त्याला आवडत नसे। आई मला ही भाजी नको, तेजस म्हणाला। तसाच तो ताटावरून उठला, आई तेजसवर खूप रागवली, आईचा बोलण्याचा तेजसलाही राग आला, तो उपाशीच झोपला। तो आई तेजसला ताट वाढली, यानी मम्मी ने तेजस को जो है वो लंच की जो प्लेट थी या जो डिनर की जो भी प्लेट थी वो दिया उसको खाने के लिए, यानी खाने की प्लेट दिया। ताटात कारल्याची भाजी, तो उसमें क्या थी, कारले यानी करेला जो होता है उसकी सब्जी थी। कड़ू कारले त्याला आवड़त न से, तो उसको कड़वे करेले जो थे तेजस को पसंद नहीं थे। तो तेजस ने कहा, आई मला ही भाजी नको, कि मम्मी मुझे ये सब्जी नहीं खानी है। तेजस मनाला, ऐसा किसने कहा, तेजस ने। तेजस तसाच तो ताटावरून उठला, और ये बोलते साथ ही वो क्या हुआ, उसने प्लेट को आगे करके वो उठ गया वहाँ से। आई तेजस्वर खूब रागवली, मम्मी को इस बात का बहुत गुस्सा है, क्योंकि एक बहुत बुरी आदत है, आपके सामने जो खाना है आपको उसे खाना चाहिए, लेकिन तेजस ने क्या किया, खाने को आगे कर दिया, उसकी प्लेट को आगे कर दिया और खाने से उठ गया, इसलिए मम्मी जो है वो बहुत गुस्सा हो गई। आई जब बोलने से तेजसला ही राग आला, तो मम्मी ने जब उसको डांटा तो तेजस को भी बहुत गुस्सा आया, तो उपाशीच झोपला, यानी वो बिना कुछ खाए सो गया। अब देखते हैं क्या होता है आगे। झोपेत त्याला स्वप्न पडले, स्वप्नात तो मंडईत गेला। मंडईत भाजीची दुकाने सजलेली, सगळीकडे भाज्याच भाज्या, बाप रे किती या भाज्या, तेजस मनातल्या मनात म्हणाला। तेवढ्या तेजसच्या समोर बटाटा आला आणि त्याला म्हणाला, भाजून खा, अकडून खा, तळून खा, वजन वाढायचं तर मलाच खा। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ये पैराग्राफ का। झोपेत त्याला स्वप्न पडले, यानी नींद में जो है तेजस को सपना आया। स्वप्नात तो मंडईत गेला, सपने में क्या हुआ, वो मार्केट में पहुंचता है। मंडईत भाजी सी दुकानें सजलेली, तो उस मार्केट में जो है वो भाजी की दुकानें बहुत ही अच्छे से सजी हुई थी, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। तेजस सगड़ी कड़े भाज्या भाज्या, सब जगह वेजिटेबल्स है, आप देख सकते हो। बाप रे कितनी या भाज्या, कि देखो अरे बाप रे कितनी सारी सब्जी, तेजस मनातल्या मनात मनाला। ऐसा कौन बोल रहा था, तेजस बोल रहा था ये सारी चीज़ें देखकर। तेवड़ा तेजस से समोर बटाटा आला आणि त्याला म्हणाला, उसी वक्त जो है तेजस के सामने एक बटाटा आता है, यानी पोटैटो, एक पोटैटो आता है और उसे कहता है, भाजून खा, भाजू यानी रोस्ट करके भून कर खाओ, अकड़ून खा बॉइल करके खाओ, तळून खा फ्राई करके खाओ, वजन बढ़ाइचा तर मलाच खा, अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है तो मुझे खाओ, ऐसा हंसकर जो बटाटा था उसने तेजस से कहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। ओके क्लास। पड़त पड़त टमाटा आला, तेजस कड़े पाहून हसला अन म्हणाला, मला जर तुम्ही खाल तर होतील गाल गाल लाले लाल, कोशिंबीर तुम्ही खाणार तर जेवण रुचकर लागणार, सूप आणि सॉस तुमच्यासाठी आहेत खास। ठीक है, तो उसी वक्त उसके सामने ऐसे गिरते पड़ते कौन आया, टमाटर आया, टमाटर आला। तेजस कड़े पाहून हसला अनु म्हणाला, तेजस की तरफ उसने देखा और हंसा और कहने लगा, मला जर तुम्ही खाल, अगर तुमने मुझे खाया, ये कौन कह रहा है, टमाटर यानी टोमेटो, टमाटर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
तो मला जर तुम ही खाल तर होतील गाल लाले लाल, अगर तुमने मुझे खाया तो तुम्हारी जो गाल है वो लाल लाल हो जाएंगे। टोमेटो खाने से आपका जो ब्लड होता है, खून होता है बॉडी में, वो ज़्यादा बढ़ता है, तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है टोमेटो। कोशिमबीर तुम ही खाना तर जेवन रुच कर लागना, और अगर तुमने कोतंबीर खाया तो क्या होगा, तो आपको खाना जो है वो टेस्टी लगेगा। सूप आनी सॉस तुमच्या साठी आहेत खास, और क्या खाना है आपको कि टमाटर का कौन कौन से इंग्रेडिएंट बनते हैं, सलाद बनते हैं, और जो कुकू ये जो कटिंग सलाद होता है ना, जिसको दही के साथ भी खाया जाता है वो भी बनता है, और सूप भी बनता है, उसका सॉस भी बनता है, तो ये जो है बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये कहा कि टमाटर ने कि तुमच्या साठी आहे खास के हमारी सबसे स्पेशल डिश आप ही के लिए है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके क्लास, यस। अब यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ को, मुळा आणि गाजर तोऱ्यात म्हणाले, आम्हाला रोज खाणार त्याचे डोळे सुंदर राहणार, डोळ्यांना ताकत मिळणार, चष्मा लवकर नाही लागणार। काकडी आली उड्या मारत आणि म्हणाली, मी असते थंडगार, मला खाण्यात मजा फार, तुम्हाला व्हायचं सशक्त तर मलाच खा फक्त। तो अब जो है मूळा आणि गाजर, यानी मूली और गाजर जो है वो एक साथ बोलते हैं प्राइड के साथ, बहुत ही प्राउड फीलिंग के साथ। आम्हाला रोज खाणार के हमको अगर रोज खाओगे, त्यांचे डोळे सुंदर राहणार, उनकी आंखें जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, डोळ्यांना ताकत मिळणार और आंखों को ताकत भी मिलेगी, स्ट्रेंथ भी मिलेगी, चश्मा लावणार नाही लाग चश्मा लवकर नाही लागणार, और चश्मा जो है वो आपको जल्दी नहीं लगेगा। ये बात तो सच है कि गाजर और मूली अगर आप खाओगे तो आपके आंखों की जो रोशनी है वो ज़्यादा बढ़ेगी। काकड़ी आली उड़िया मारत अणी मनाली, तो काकड़ी जो है वो साइड से आई और जंप करते हुए उसे कहने लगी तेजस से, नी अस्ते ठंडगार के, मैं कैसी हूँ ठंडी ठंडी, मला खाने मजा फार, बहुत मज़ा आता है ना काकड़ी खाने में, तो कह रही कि मुझे खाने में मज़ा बहुत है, तुम्हाला वाइचा सशक्त, अगर तुमको हेल्दी होना है, सशक्त यानी हेल्दी, अगर तुमको हेल्दी होना है तर मलाच खाओ फक्त, तो मुझे ही खाओ सिर्फ। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो है आपको, यानी हेल्दी होने के लिए आपको ककड़ी भी खानी चाहिए, ये अगर आप सलाद में लेते हो खाने के साथ तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तिकडून आली मेथी तिच्या सोबत होते चुका चाकवत बाट आणि पालक, एकमेकांचा हात धरून ते गाऊ लागले, हिरव्या हिरव्या पाले भाज्या रोज खाव्या ताज्या ताज्या, आमच्यातून मिळवा पोषक घटक, खाण्याची लागेल तुम्हाला चटक। तो वहाँ से फिर कौन आया, मेथी, मेथी की सब्जी आपने खाई होगी जो हरे हरे पत्तों की होती है, उसके साथ सुक्का चाकवत माठ यानी पालक, तो इसके साथ दूसरी और जो हरी सब्जी होती है जैसे चौली है, जैसे माठ है होती है, जैसे पालक होती है, तो ये सारी सब्जी जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहती है कि हिरव्या हिरव्या पाले भाज्या, के हरी हरी जो सब्जी है, जो हरे पत्तों की सब्जी है, रोज खाव्या ताज़ा ताज़ा, रोज फ्रेश जो है इनको खाइए। हमसे तुम तिड़ा मिड़वा पोषक घटक के, हमसे आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, खाने से लागेल तुम्हारा चटक और मज़ा भी बहुत आएगा। अगर आपने इसको हरी सब्जी जो है वो जिसको आदत लगती है तो उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद हो जाती है। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि हरी सब्जी खाओ, क्योंकि हरी सब्जी से जो है डाइजेशन पावर स्ट्रांग हो जाता है, और पालक तो खास करके जो होता है उसमें क्या फ़ायदे होते हैं कि उसमें बहुत आप आयरन होता है, आपकी बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तेवढ्यात आले कारले हिरव्या हिरव्या रंगाचे खडबडीत अंगाचे, ते म्हणाले, माझ्याकडे पाहून नका हसू, चुकूनही कधी नका रुसू, माझ्यात आहे खूप गुण, घ्यावे तुम्ही ते जाणून, मी आहे खूप औषधी, आजारपणा येणार नाही कधी। तो उसी वक्त कौन आता है, जो करेले होते हैं वो आते हैं, हिरव्या हिरव्या हरे कलर के होते हैं ना करेले, खड़बड़ी, इनके जो बदन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊपर खाबड़ है ना, आप देख सकते हैं कि कैसे रफ होता है ना, ऊपर नीचे होता है इसके जो स्किन होता है। ते म्हणाले, माझ्याकडून पाहू नको नका हसू, कि हमारी तरफ देखकर हसो मत,
माझे आहेत खूप गुण, हमारे अंदर बहुत सारे गुण है कि बहुत सारी क्वालिटीज है, घ्यावे तुम्ही ते जाणून, और यही सोचकर हमको लो। मी आहे खूप औषधी, करेला जो होता है वो बहुत ही मेडिसिनल वेजिटेबल है, इसमें बहुत सारी दवाइयों के क्वालिटीज भी है। आपको जल्दी ठीक होना है, आप बीमार हो या कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, कोई चीज़ की कमी है, तो करेले खाने से जो है वो आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। आजार पना ये नार नाही कदी, तो आपको कभी बुखार नहीं आएगा अगर आपने करेला जो है वो अपनी डाइट का एक ज़रूरी हिस्सा रखा। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। तेजस लक्ष्य देऊन ऐकत होता सगळ्यांनाच, काहीतरी सांगायचं होते त्यात भेंडी गवार वांगी होती, परवळ आणि कोबी होती, फ्लावर होता मिरची पण होती, सगळ्यांनी एकच घाई केली, त्यांच गलक्याने तेजस जाग आली, तेजसला जाग आली, तो पळतच आईकडे गेला। आई म्हणाला, आईला म्हणाला, आई आजपासून मी सगळ्या भाज्या खाणार, मला सर्व भाज्या आवडतात। तब जो है तेजस जो है वो सबकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, पूरे कॉन्सन्ट्रेशन के साथ सुन रहा था, और सबको कुछ ना कुछ बोलना था, सगळ्यांनाच काहीतरी सांगायचं होतं। उसी वक्त भिंडी जो थी, जो गवार सब्जी होती है, वांगी यानी बैगन, परवल भी एक सब्जी होती है यानी गोभी यानी कॉलीफ्लावर, ये सारी ये जितनी भी सब्जी थी, फ्लावर होता, मिर्ची पन होती, वहाँ पे मिर्ची भी थी, ये सबको एक ही कुछ ना कुछ घाई थी, और वो था कि तेजस से सबको बात करनी थी और अपनी बारे में सब बताना था। त्यांच गलक्याने तेजस जाग आली, तो ये जो एक घाई थी सारी वेजिटेबल्स को बात करने की, ये सारे शोर में जो है तेजस की आँख खुल गई, यानी वो नींद से उठ गया, वो जो सपना देख रहा था उससे उठ गया। तो परतच आई कड़े गेला, और वो भाग कर किसके पास गया, मम्मी के पास गया, और बोलने लगा, आई आजपासून मी सगळ्या भाज्या खाणार, मले सर्व भाज्या आवडतात, कि आज से मैं सब भाजी खाऊंगा, मुझे सारी भाजी पसंद है। ऐसा तेजस ने क्यों कहा, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि हर भाजी में कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर हमने सारी भाजी सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से खाया तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप भी ऐसा नहीं करो, मैं जानती हूँ आप अपनी प्लेट से जो है ग्रीन वेजिटेबल्स को साइड में करते हो, खास करके शिमला मिर्ची, तो आपको सारी सब्ज़ी खानी है क्योंकि सारी सब्ज़ियों में कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं। तो आप भी तेजस की तरह स्मार्ट हो जाइए और सारी वेजिटेबल्स आप भी खाएंगे, प्रॉमिस दैट। ओके, अब हम जो है बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आंसर है आपके। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न पहला, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, तेजस ला कोणती भाजी आवडत नव्हती, तेजस को कौन सी सब्जी नहीं पसंद थी। ठीक है, तो मैंने नोटबुक में जो है इस तरीके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, आपको भी करने हैं। तेजसला कोणती भाजी आवडत नव्हती, तेजसला कारल्याची भाजी आवडत नव्हती, तेजस को कौन सी सब्जी नहीं पसंद थी, तेजस को कारले की यानी करेले की सब्जी पसंद नहीं थी। मंडईत कशाची दुकाने सजलेली होती, के बाजार में कौन सी दुकानें सजी हुई थी, मंडईत भाजींची दुकानें सजलेली होती, कि मार्केट में भाजी की दुकान सजी हुई थी। काय खाल्यावर गाल लाल होतात, क्या खाने से गाल लाल हो जाते हैं बताइए, टमाटर खाल्यावर गाल लाल होतात, यानी टमाटर खाने पर गाल लाल हो जाते हैं। मुलांसाठी टमाटरचं खास काय बनवले जाते, बच्चों के लिए टमाटर का क्या खास बनता है, मुलांसाठी टमाटरचं खास सूप आणि सॉस बनवले जाते, यानी बच्चों के लिए टमाटर का खास सूप और सॉस बनाया जाता है। डोळ्यांची ताकत कशामुळे मिळते, यानी आँखों की रोशनी किसमें आती है, किससे मिलती है हमको, तो डोळ्यांची ताकत मुळा आणि गाजरामुळे मिळतात, के आँखों की जो रोशनी है वो मूली और गाजर से मिलती है। आपल्याला पोषक घटक कशा कशातून मिळतात, के हमको जो है वो पोषक जो विटामिन मिनरल्स है वो किससे मिलते हैं, आपल्याला पोषक जो हेल्दी खाना है वो हेल्दी मिनरल्स जो है जो डाइट में होना चाहिए वो किससे मिलता है, तो आपल्याला पोषक घटक हिरव्या पाले भाज्यातून मिळतात, किससे मिलता है, हरी सब्जी खाने से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन म्हणाले ते लिहा, यानी हु सेड टू हुम, आई मला ही भाजी नको, ऐसा किसने कहा कि मम्मी मुझे ये भाजी नहीं चाहिए, ऐसा तेजस ने मम्मी को कहा है ना, आई तेजस आईला म्हणाला, कोशिंबीर तुम्ही खाणार तर जेवण रुचकर लागणार, तो ऐसा किसने कहा कि कोतंबीर अगर तुमने कोशिंबीर खाया, सलाद खाया, तुमको कैसा लगेगा खाना, टेस्टी लगेगा, टमाटर ने तेजसला म्हणाला, यानी टमाटर ने तेजस को कहा, चश्मा लवकर नाही लागणार, चश्मा जल्दी नहीं लगेगा, ये किसने कहा, मूला आणि गाजर तेजसला म्हणाला, ये मूली और गाजर ने तेजस को कहा। आजारपणा येणार नाही कधी,
तो बुखार कभी नहीं आएगा, ऐसा किसने कहा? कारले ने तेजसला मनाली, ऐसा करेले ने तेजस को कहा। हिरव्या हिरव्या पाले भाजा रोज खाव्या ताजा ताजा, तो हिरवे हिरवे पाले भाजा ये रोज आपको खाना, ये किसने कहा? ये मेथी चुका चाकवत माठ आणि पालक तेजसला गाऊन म्हणाले, ऐसा किसने कहा? चुका चाकवत माठ और पालक जो थे वो तेजस को गा कर ये बात बता रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो टेक्स्ट बुक में है वो है शेवट अक्षर सारखे असणारे पाठातील शब्द लिहा, यानी राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है, जो लास्ट के वर्ड्स शब्द अक्षर जो है वो सेम होते हैं उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स आपको लेसन से ढूंढ कर लिखना है, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे किया है नोटबुक वर्क। तो बटाटा, पहला है बटाटा, टमाटा भाजुन तड़ुन, हसू रुसू सशक्त पक, रंगाचे अंगाचे घटक चटक। ठीक है, ये थे शेवट अक्षर यानी राइमिंग वर्ड्स। अब हम जो है विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं, जो है अपोजिट वर्ड्स, गोड़ कड़ू, गोड़ यानी मीठा, कड़ू यानी कड़वा, हंसने रड़ने, हंसने यानी हंसना, रड़ने यानी रोना, येनार जानार, आना जाना यानी आने वाले अजाने वाले, सुंदर कुरूप, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, कुरूप यानी अगली, गुण अवगुण, क्वालिटी और क्वालिटी नहीं होना, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अवगुण, सशक्त असशक्त, सशक्त यानी हेल्दी और अनहेल्दी यानी असशक्त, ठंड गर्म, ठंडा यानी कूल और गर्म यानी हॉट। ठीक है, आपको सारे ऑब्जेक्टिव में भी मैंने यानी क्वेश्चन आंसर्स भी हमने टेक्सचुअल वर्क कर लिया है, रीडिंग भी हो गया है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया है, एंड आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा होगा। तो आपने ये पूरा लेसन देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई सजेशन है लेसन को लेकर तो मुझे ज़रूर बोले। बाय क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो, और अगर कुछ आपके सजेशंस है कमेंट्स है तो मुझे ज़रूर भेजिए। बाय।